सोनी आभूषण केंद्र, हमारे यहाँ शुद्ध गारंटी युक्त सोने और चांदी के आभूषण तैयार मिलते हैं। इतना ही नहीं, ऑर्डर करने पर आप अपनी पसंद से जेवरात बनवा भी सकते हैं। तो देर किस बात की, तुरंत पहुँचें सोनी आभूषण केंद्र, हलियापुर रोड, पारा चौराहा, सुल्तानपुर। आपके अपने शहर सुल्तानपुर बल्दीराय तहसील में फैंसी साड़ियाँ, सूट और शर्टिंग जैसे बेहतरीन कपड़े उचित दाम पर मिल रहे हैं। तो देर किस बात की, तुरंत ही पहुँचे शुभम साड़ी सूट कलेक्शन, हलियापुर रोड, पारा चौराहा, सुल्तानपुर। अमेठी जिले में बहुत ही शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपनी ही माँ पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग माँ के हाथ और पांव दोनों ही टूट गए, जिस वजह से वो बेचारी अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से तड़प रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि माँ पर हमला करने वाला बेटा रिटायर्ड फौजी है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। खून के रिश्तों को तार तार करता ये मामला अमेठी जिले के रामगंज थाना इलाके के भादर ब्लॉक तिवारीपुर सोनारी गांव का है। यहां मूर्ता देवी अपने बेटे रामसूरत यादव और उनकी पत्नी के साथ रहती हैं। मूर्ता देवी का बड़ा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गया था, जिसकी जगह पर मंझले बेटे रामाचल को नौकरी मिली और वो भी रिटायर्ड है। मूर्ता देवी की माने तो रामाचल ने 2019 में जायदाद के चक्कर में अपने छोटे भाई की पत्नी संगीता पर गोलियां दाग दी थी। हालांकि उस हमले में संगीता बाल बाल बच गई, तभी से रामाचल के खिलाफ 307 यानी कत्ल की कोशिश का मुकदमा चल रहा है। इसी मुकदमे को वापस लेने के लिए रामाचल लगातार अपनी माँ मूर्ता देवी और बहू संगीता पर दबाव बना रहा था। अच्छा, गोली मारे। किसको गोली मारे थे? पत्नी के, छोटी बहू को। अच्छा। मूर्ता देवी और बहू संगीता जब सुलह पर राजी नहीं हुई तो बेटे राम अचल ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर माँ पर ही हमला कर दिया। मूर्ता देवी की माने तो बेटे और बहू ने उन्हें लाठी डंडे और हसिया से मारकर घायल कर दिया, जिससे उनके हाथ और पांव दोनों टूट गए। हमारे भाई लगते, बड़े भाई। अच्छा, तो मामला क्या था पूरा? मामला 307 उन्होंने 2019 में गोली मारे थे हमारी पत्नी। अच्छा, अब जो है मुकदमा गवाही में चल रहा है, उसी को दबाव बना रहे हैं, सुलह हो जाओ नहीं मैं सबको मार डालूंगा। अच्छा। हम चार भाई थे, एक भाई कारगिल में शहीद हो गए। उनका क्या नाम था? राम निहोर यादव। अच्छा, कारगिल में शहीद हुए। हाँ, कारगिल शहीद राम निहोर यादव। और दूसरा भाई हमारे हैं राम सेवक यादव। ये क्या करते हैं? ये आर्मी मैन है, भी रिटायर हो गए। अच्छा अच्छा। राम निहोर के जगह पे नौकरी पाए हैं राम अचल यादव। अच्छा, जिन्होंने घटना का अंजाम। मूर्ता देवी ने तुरंत ही मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे और रिटायर्ड फौजी रामाचल यादव को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। ये खबर हमारे संवाददाता अफजल खान और मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।